नमस्ते, लाइवली सोल्स के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे अंबा घाट। अंबा घाट है कोल्हापुर के पास एक जगह। अगेन महेंद्र रिजॉर्ट का एक प्रॉपर्टी था वहाँ पे, उस हिसाब से हम गए थे। पर वहाँ पे आजू बाजू काफ़ी कुछ हमने देखा, बहुत ही एक्साइटिंग। हमने एक विशालगढ़ भी चढ़ लिए थे, बातों बातों में ये थोड़ा जाना है कह के हम लोग विशालगढ़ भी चढ़ लिए थे। किद्रापुर टेम्पल देखा हमने, वो भी बहुत सुंदर है। चलिए मेरे साथ अंबा घाट। नमस्ते, खूब दिवसांनी आपण भेटतोय परत एकदा। आम्ही आज आलो आहोत अंबा घाट कोल्हापूर, आणि आता आम्ही चाललो आहोत जंगल सफारीला। दोन तीन विशाल पण बघणार आहोत, पन्हाळगड बघणार आहोत, पावनखिंड अँड वॉट द सम वॉटरफॉल, सम लेक अँड असे बरेच पॉइंट्स आहेत, पॉइंट्स आहे विच आम्ही कव्हर करणार आहोत। तर चला आमच्या विथ अस होल डे, लेट्स एन्जॉय। यहीं पर आपको ये प्रॉपर्टी का एक विजुअल बता रहे हैं। इट वॉज़ अ नाइस क्वेंट लिटिल प्रॉपर्टी। कम थे उनके रूम्स, बहुत ज़्यादा नहीं थे, पर एकदम ग्रीनरी के बीच में थी ये प्रॉपर्टी। इतना ब्यूटीफुल है कि वी आई जस्ट वोन अ जैकेट एंड ऑल दैट, पर इट्स वेरी प्लेजेंट। हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। कल शाम से एक्चुअली ये हवा का सीन चल रहा है ना, ब्यूटीफुल। अंबा घाट। तो ये जो है ना, इट्स सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट। तो यहाँ पे दिस रिजॉर्ट इज देयर अ रिवर फ्रंट एंड आगे फॉरेस्ट है। तो बहुत ही रिमोट लोकेशन, बहुत पीसफुल। You can just end of the world लग रहा है। Yeah, Mukula has been saying it's the end of the world from the time she came here. But beautiful. If you just want to spend a weekend, relax and just be cut off from the rest of the world, this is the place. These are the actual visuals from the property. ये है वो river जिसके बारे में हम लोग बता रहे थे। अभी इस वक्त क्योंकि हम गए थे around February March ऐसे गए थे, तो इसके लिए ज़्यादा पानी नहीं है, पर बारिश के मौसम में अक्टूबर नवंबर वगैरह तक अच्छा खासा पानी का बहाव है। एंड इसके पीछे जैसे आपको दिख रहा है, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है। वहाँ से कोयल की आवाज़, पीकॉक की आवाज़, कंटिन्यूस बर्ड्स की शोर और आवाज़ें ऐसे सुनाई दे रही थी। शाम के टाइम हमने ये कैप्चर किया है, तो एकदम सनसेट भी दिखा, भी कैप्चर किया है। हम आपको आगे वीडियो में दिखाई देगा। ऐसे एक ब्रिज बनाया हुआ था उन्होंने प्रॉपर्टी के उस तरफ जाने के लिए। बहुत ही पिक्चरस्क प्रॉपर्टी है। आगे कायकिंग भी हो रही थी, हम दूर से देख पाए। बाय द टाइम हम उसके पास पहुंचे तब तक टाइमिंग ख़त्म हो गई थी। ये देखिए, मैं बता रही थी ना सनसेट का विजुअल्स, एकदम ब्यूटीफुल, एकदम पूरे स्काई में ऐसे लालिमा छाई हुई थी। हम काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़े होके सनसेट देख रहे थे। इसको देखने के चक्कर में हमारी कायकिंग रह गई, पर आई थिंक ये विजुअल देखना हमको ज़्यादा ज़रूरी था। ये प्रॉपर्टी का दूसरा तरफ है, दूसरे तरफ वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह में बाहर सीट्स रखे हुए रहते हैं इनके। एंड वहाँ पे है, ये देखिए पूरे ये ट्रीज़ का रिफ्लेक्शन दिख रहा है पानी में। इट वाज टू ब्यूटीफुल अ सीन, इसलिए हमने कैप्चर किया इसको। ये अदर एंड ऑफ द प्रॉपर्टी है, जो सनसेट दिखाया वो दूसरा एंड था, ये अदर एंड ऑफ द प्रॉपर्टी है। एंड वहाँ पे ये रोपवे भी बनाया हुआ है एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए।
चलो सफारी की तैयारी चालू है। ये था हाईलाइट हमारे ट्रिप का। हम सब वो जीप के ऊपर बैठ के सफारी किए। बहुत ही थ्रिलिंग राइड था वो। एकदम आराम से बैठ के, पूरी सुविधा थी वहाँ पे बैठने के लिए, ऊपर छपरा जैसे भी था, एंड उसके ऊपर बैठ के हम लोगों को ले गए वो सफारी के लिए। पावनखंड तक हम ऐसे ही गए छपरे पे बैठ के। और फर्स्ट स्टॉप है ये, कोई लेक बता रहा था, आगे उसका डिस्क्रिप्शन आएगा। अम्बा घाट, ये जगह 3100 फीट अबव द ओशन लेवल पर है, कोल्हापुर रत्नागिरी हाईवे NH 204 पर है के रास्ते में पड़ता है। ये एलिवेटेड पार्ट है एंड इसके आगे जैसे बोलते हैं कोंकण डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होता है। काफ़ी सारा हिस्टोरिक क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस है इस जगह के लिए। बोलते थे कोंकण एंड छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे कोंकण और कोल्हापुर को कनेक्ट करने के लिए ये रूट यूज़ किया जाता, ये जगह यूज़ किया जाता था। ये एरिया जो है बहुत ही कूल क्लाइमेट एंड बहुत ही सुंदर एनवायरनमेंट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जैसे पावनखिंड हम बस जा ही रहे हैं, वहाँ पे जंगल सफारी भी हम करेंगे अभी। बहुत सारे अदर पॉइंट्स भी हैं, अम्बेश्वर मंदिर, मानोली डैम, सनसेट पॉइंट, ऐसे बहुत सारे जगहों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब आप वहाँ जाएंगे तो डेफिनेटली एक दो दिन के लिए तो एक्टिविटीज़ रहेगा। इनफैक्ट ये जो महिंद्रा रिजॉर्ट के जो क्लब है, जो होटल है, वो लोग ही अलग अलग एक्टिविटीज़ अरेंज करते हैं। तो एक्चुअली हम लोग काफ़ी लेट निकले, नहीं तो उनके वो एक गांव में ले जाते हैं। एंड प्लस ये जो मनोली डैम है, अमरेश्वर मंदिर है, वहाँ के लिए भी अलग गाइडेड टूर्स करते हैं। तो ये होटल से ही वो लोग सारे, जहाँ पे भी आप रहेंगे वहीं से वो सारे आपको अरेंज करके देते हैं। हम बस पहुँच रहे हैं फर्स्ट पॉइंट तक, जो गाड़ी पहले रुकी थी ना, ये जो लेक के पास हम पहुँच गए हैं अभी। आपने वो विजुअल्स में देखा होगा कितना ब्यूटीफुल सनराइज कैप्चर किया हुआ था। इट वॉज अ ब्यूटीफुल स्पॉट। हम वहाँ से आगे चले पावनखिंड की ओर। पावनखिंड की ओर जाते हुए ये जंगल के थ्रू जा रहे हैं, तो ये जंगल सफारी कवर हुआ है। यहाँ पे एनिमल साइटिंग बहुत रेयर है, मतलब ना के बराबर है। और वो लोग होटल में ही बता देते हैं कि ज़्यादा एनिमल साइटिंग कुछ खास होता नहीं है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल राइड। और आप सोचिए ना, सुबह का समय हम जीप के ऊपर बैठे हुए हैं, जीप अच्छा खासा 50-60 के स्पीड में जा रहा है, अच्छी खासी ठंडा हवा लग रहा है चेहरे पे। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। वो दिन मुझे सर दर्द था, माइग्रेन का शुरुआत था, पर पूरा चला गया ये एक्सपीरियंस के बाद।
और ये बस हम पहुंच रहे हैं पावन खिंड के पास। ये है उस जगह का एंट्रेंस। ये एक मेमोरियल जैसे बनाया हुआ है, पावन खिंड नीचे है, वहाँ पे एक ऐसे मेमोरियल बना के एक फ्लैग है वहाँ पे जो अनफोल्ड किया हुआ है। इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये है व्यू उस छोटे से स्ट्रक्चर के ऊपर से व्यू दिख रहा है। और जैसे आप देखेंगे आगे स्टेप्स दिखेगा आपको पावन खिंड के लिए, वो स्टेप्स अबाउट 320 स्टेप्स है अप्रॉक्सीमेटली, वो उतर के जाना है पावन खिंड के लिए। अभी कोई 200 स्टेयरकेस स्टेयर्स है, स्टेप्स है नीचे जाने के लिए। पावन खिंड उधर है तो हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए पावन खिंड, हम अभी जो देख रहे हैं वो पावन खिंड है। लेकिन पावन खिंड ये नाम कैसे पड़ा ये हम थोड़ा से विस्तृत में आपको बताना चाहते हैं। पावन खिंड का पहला नाम है घोड़खिंडी। ये घोड़खिंडी बहुत तंग गली थी। यहाँ पे घोड़खिंडी का ये युद्ध मराठा नरवीर बाजी प्रभु देशपांडे जी के नेतृत्व में 300 सैनिकों और सिद्धि मसूद जौहर आदिलशाही फौज के नेतृत्व में 10,000 सैनिकों के मध्य जुलाई 1660 को हुआ था। यह युद्ध महाराष्ट्र के विशालगढ़ के पास घोड़खिंडी नामक के खाई में लड़ा गया और इस युद्ध के बाद इस खाई को पावन खिंडी के नाम से जाना गया। थोड़ा सा उसके पीछे का एक इतिहास ऐसा है, 28 दिसंबर 1659 कोल्हापुर युद्ध में आदिलशाही सेना को शिवाजी महाराज से हार का सामना करना पड़ा, जिससे आहत बीजापुर के सुल्तान सिद्धि जौहर और फजल खां के नेतृत्व में सेना भेजी। 15,000 की विशाल सेना के साथ सिद्धि जौहर ने 2 मार्च 1660 को छत्रपति शिवाजी महाराज को पनाला किले में घेर लिया। किला काफ़ी विशाल होने के कारण 4 महीनों में भी आदिलशाही फौज को कामयाबी नहीं मिलने की वजह से उन्होंने पवनगढ़ किले पर कब्जा करने का सोचा, जिसके लिए पास की पहाड़ी पर कब्जा कर आदिलशाही फौज ने पवनगढ़ किले पर गोलीबारी शुरू कर दी। अगर पवनगढ़ किले पर कब्जा हो जाता तो आदिलशाही फौज के लिए पन्हाला किले पर कब्जा करना बहुत ही आसान हो जाता। इसलिए शिवाजी महाराज ने 13 जुलाई 1660 की रात्रि को पन्हाला किले से निकलकर करीब 700 सैनिकों के साथ विशालगढ़ जाने का निश्चय किया, जिसके लिए रास्ते में पवनगढ़ में कब्जा कर बैठे आदिलशाही फौज पर उन्होंने हमला कर दिया। आदिलशाही फौज पर यह हमला अचानक हुआ, जिस वजह से बहुत अफरा तफरी मच गई। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर शिवाजी महाराज विशालगढ़ की तरफ निकल गए, जो करीब 60 किलोमीटर वहां से दूर था। दुश्मनों को इसका पता चला और शिवाजी महाराज के पीछे 10,000 की सेना पीछे पीछे निकल गई। शिवाजी महाराज का विशालगढ़ पहुँचना बहुत आवश्यक था, इसलिए बाजी प्रभु ने विनती करके 300 सैनिकों के साथ घोड़खिंडी पर रुक गए और शिवाजी महाराज को विशालगढ़ पहुंचकर तोप से गोला डालने को कहा। ये लड़ाई करीब 5 घंटे चल रही थी। जब तक महाराज विशालगढ़ नहीं पहुंचे और वहां से तोप की आवाज़ नहीं आई, उसके बाद ही 14 जुलाई को जब ही विशालगढ़ से तोप की आवाज़ आई, उसके बाद ही बाजी प्रभु देशपांडे जी ने किले की तरफ देख के अपना अंतिम प्रणाम किया और उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया।
इस युद्ध से मराठे सैनिकों ने शिवाजी को विशालगढ़ पहुंचने के उद्देश्य की पूर्ति की। शिवाजी महाराज ने इस बलिदान को पूछते हुए दर्रे का नाम घोड़खिंडी से पावनखिंडी कर दिया। ये है उसका इतिहास। We've come to this place called Pavankin, a beautiful historical place. We actually went and saw the battle place where the battle was done and all that. And hum log jaldi nikle the. We left around 7 in the morning. So we were very hungry when we came back. Hum log niche aaye, utar kar aaye wahan se, and we came to this hotel called Hotel Baji. We met Divya here. She is the owner of this place. She and her husband, they carry out this business over here. Divya, kab se hai aap yahan pe? 6 mahina ho gaya. 6 mahina ho gaya. Jabardast sangat. Okay, abhi tumhare bare mein bolo, tum log kahan se ho? Hum log hai Bombay se, Santa Cruz rehne wale. Aur abhi yahan pe khud ka open kiya hai, 6 mahina ho gaya. Aur acha sa response hai. Gaon mein kya acha lag raha hai. क्या क्या बनाते हो आप लोग? कंदा भजी है, बटाटा भजी है, वड़ा पाव है, मैगी है, प्लेन मैगी, मसाला मैगी, चाय, कॉफी, रोटी, चाय और चाय और कोल्ड ड्रिंक से। और हम लोग उसका टेस्टिमनी दे सकते हैं कि ये जितना भी चीज उसने बोला सब बहुत बढ़िया बनता है। वी आर ऑल विटनेस टू दैट। बहुत सुंदर बना था। आई मीन हमने सिर्फ कांदा भजी बोला था पहले, कांदा भजी से गया मैगी, मैगी से गया बटाटा भजी, चाय का तो रिपीट हो गया। तो चालू है हम लोग, पता नहीं अभी हम लोग 9 बजे आके बैठे, अभी ऑलमोस्ट 10 बज रहा है, कभी निकलेंगे मालूम नहीं, हमको और भी करना है, यहाँ से निकले तो और करेंगे। सर एनीवे दिव्या, थैंक यू सो मच फॉर फीडिंग अस। हम एकदम भूखे भी थे तो थैंक यू। दिव्या आता मिस्टर बदल बोले। हाँ, आपका नाम बताओ। मेरा नाम दिनेश है। ओके ओके ओके। बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स है। हाँ, मतलब रिव्यूज अच्छे भी आ रहे हैं। ओके, मतलब जो भी ये बनाते हैं फूड्स, कांदा भजी, बटाटा भजी, सबको मतलब टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। ओके, एंड क्राउड कभी कभी से होता है आपके यहाँ पे? जून जुलाई 2 महीना फुल रहता है। फुल रहता है, उसमें हो जाता है आपका, साल भर निकल जाता है उसमें, जो कमाई हो जाता है आराम से। आपका पहला सीजन गया है? अभी पहला सीजन, दूसरा सीजन आएगा। अच्छा, अप्रैल में कंस्ट्रक्शन किया। हाँ, और जून महीने में चालू किया। अच्छा, 28 को चालू किया। ओके, तक 1 साल भी नहीं हुआ है पर रिस्पांस अच्छा आ रहा है। ओह वेरी गुड। आपको ये खुद का जगह है? हाँ, आपका खुद का जगह है तो अच्छा है, तो भाड़ा वगैरह भी नहीं देना होता है, तो जितना 2 महीने में कमाते हैं पूरा साल निकल जाता है उसमें। ओके, आपका बच्चा अभी कितना? 5 साल का है। इसमें आंगनवाड़ी में जाता है? आंगनवाड़ी में जाता है ना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। अगले बार जब हम आए, विश आपका डबल दुगना ट्रिपल हो, ठीक है? ओके, बाय। पावन खिंड के बारे में और वो युद्ध के बारे में और जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ पावन खिंड सुन के हमें भी इच्छा हुई कि हम भी जाकर विशालगढ़ देखें। हमने हमारे ड्राइवर से रिक्वेस्ट करी कि ऑल्दो ये वो पैकेज में नहीं था, हमने ड्राइवर से रिक्वेस्ट किया कि वो हमें विशालगढ़ की ओर ले चले, हमें भी देखना था उस जगह। एंड वो हम एक्चुअली एकदम इमर्स हो गए थे उस समय के हिस्ट्री सुन के। एंड हमको बहुत मन में वो वी वॉन्टेड टू गो एंड सी दैट प्लेस, यू नो, एंड ऑफर आर प्रणाम टू दैट प्लेस। एंड ऑन दैट बेसिस वी लेफ्ट फ्रॉम पावनखिंड एंड वेंट प्रोसीडेड ऑन वे टू विशालगढ़ विच वॉज अबाउट 30-40 kilometers अवे। ऑन द वे द ड्राइवर ऑल्सो टोल्ड अस सम वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द विलेजेस दैट वी पास फ्रॉम देयर। नावाचा थोडासा अपभ्रंश झालाय, गजापूर।
ये है एंट्रेंस विशालगढ़ फोर्ट का, वो दूर फर्स्ट ग्लिम्स मिला जैसे हम वो मेन गेट से एंटर किए, वहीं से वो दूर दिखाई दे रहा है विशालगढ़ फोर्ट। ये एक ब्रिज जैसा है जिसको पार करके फोर्ट की तरफ जाना है, ये ब्रिज की तरफ का रास्ता है। वो है फर्स्ट क्लिम्प विशालगढ़ फोर्ट का। इतना इम्प्रेसिव, इतना ह्यूज। एंड ये है रास्ता जाने के लिए। ये ब्रिज से अगर नहीं आते हैं तो नीचे से एक रास्ता है जो क्रॉस करके ट्रैकिंग के लिए, पनाला से विशालगढ़ तक काफ़ी ट्रैक्स भी चलते हैं, तो द ट्रैकर्स ये जो मेन रोड है वो यूज़ करके आते हैं। आणि भारदस्त आहे असा हा गड, एकदम मस्त। मी असं इमॅजिन कर की तिकडनं मावळे येत आहेत, त्याच्यावरनं आणि एकदम महाराज दिसले आपल्या तिकडे गडावर, आणि महाराज कुठून इथे आले रात्रीच्या वेळी। हम लोग पहुंचे हैं विशालगढ़, ये मतलब विशाल, जो एक्चुअली जो विशाल का जो शब्द है, मैसिव, वास्ट, ह्यूज, उसका प्रतीक है ये गढ़। अगर आप पीछे देख रहे हो, यही है वो फोर्ट जो बोलते हैं, जो शिवाजी महाराज, जो हम पहले पावन किंड गए थे वहाँ पे, जो उनके कमांडर, उनके सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे ने वहाँ पे औरंगजेब की आर्मी को रोक के रखा था, सिद्धि जौहर के सैन्य को वहाँ से, और बोले थे शिवाजी को कि आप आगे जाइए, आप वहाँ पहुँच जाइए। तो शिवाजी अपने घोड़े घुड़सवार लेके, अपने लोगों को लेके पहुँच गए थे, ये विशालगढ़ पहुँच गए थे। वो भी बोलते हैं रात में हुआ है ये एंटायर एपिसोड, जो युद्ध, जो वॉर हुआ था वो रात में हुआ था। ये बोलते समय या सोचते समय ही वो दृश्य ऐसे सामने आता है, इतना छोटा सा प्लेस, इट वॉज अ नैरो एली जहाँ पे ये हुआ था, एंड वहाँ से शिवाजी महाराज घुड़सवार वगैरह उनके लोगों को लेके इसको यहाँ पर पहुँच के अपने आप को ये कैप्चर किया था, ये पर्टिकुलर फोर्ट, एंड 2100 की सलामी दी थी। तो वो सुन के जो कि पहुँच गए, ये उसका अंदेशा ये था कि शिवाजी महाराज गढ़ पे पहुँच गए हैं एंड उसको कैप्चर कर लिया, वो सुन के वो कमांडर ने अपनी जान दी थी। इज द हिस्ट्री बिहाइंड दिस एंटायर एपिसोड। बहुत ही हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस वाली जगह पर आए हैं। हूएवर हैव लेड डाउन देयर लाइव्स इन दैट वॉर, इट इज अ सलाम फ्रॉम ऑल ऑफ अस टू देम, बट अ वेरी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस प्लेस, एंड वी आर टोटली सीन दैट।
फर्स्ट हॉल्ट जो हमने लिया है वाइल क्लाइंबिंग अप गणेश विशालगढ़। ये फर्स्ट हॉल्ट है हमारा एंड आप यहाँ से व्यू देखें। एक्चुअली हम लोग नीचे ही खड़े थे, हमको कोई इंटेंशन नहीं था ऊपर चढ़ने का एंड स्टेयर्स वगैरह देख के मन भी नहीं हो रहा था, मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी। आई थिंक दैट वुड बी द मन तो बहुत था पर हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम ऊपर चढ़े। डोली भी है यहाँ पे पर पर्सन 2000 रुपीस बता रहे हैं एंड एक्चुअली अगर वो लोग हम लोग वो उसका सर्विसेज ले इट इज़ वर्थ इट बिकॉज ये क्लाइंब बहुत स्टीप है तो 2000 वो बोल रहे इट्स नॉट लेस बट हमने सोचा कि नहीं लेट इट बी वी विल नीचे से ही हम लोग वीडियो वगैरह करके निकल जाएंगे। तो और एक फैमिली दिखा हमको रास्ते में, आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू देम कि दे इंस्पायर्ड अस, बोले कि नहीं इतना ज़्यादा नहीं है आप स्टीप है बस उतना ही है बट यू ऑल शुड मेक एन अटेम्प्ट करके फिर हम ऊपर आए हैं। यहाँ पे ऊपर बोलते एक दरगाह है, एक वेल है एंड ऑफकोर्स फोर्ट तो है ही, फोर्ट तो मेन है तो इसलिए इस हिसाब से हम ऊपर तक आए हैं अभी। Although we were not thinking of climbing up but we finally did the we did climb up and now we have reached so close to the fort. अगर आपको दिख रहा है सामने एक टनल दिख रहा है, मैंने जूम किया है और ऑलमोस्ट अबाउट 3x जूम किया है तो आई थिंक विजिबल होना चाहिए। बोलते हैं कि ये डायरेक्ट गणेश खिंड को कनेक्ट होता है, गणेश खिंड पावन खिंड को कनेक्ट होता है एंड ये यूज़ मतलब ऐसे प्रोविजन करके रखा था कि इन केस ऑफ एनी अटैक ऑन द ऑन दिस फोर्ट तो शिवाजी महाराज कुड एस्केप फ्रॉम हियर। ऑल्दो इट इज़ नॉट वेरी क्लियर वेदर दिस वॉज यूज एवर बाय गणेश बाय शिवाजी महाराज एंड ऑल्सो वेदर वेन ही केम जब वो आए थे विशालगढ़ पहली बार कैप्चर करने के लिए वेदर ही यूज दिस टनल और नॉट इज नॉट वेरी क्लियर स्टिल बट देर इज़ अ टनल ऑफ अ ईयर विच इज सेट टू कनेक्ट दिस प्लेस टू पावन खिंड। दिस इज अ क्लोजर लुक ऑफ द टनल। हमने हमारा एडवेंचरस ट्रैक कंटिन्यू किया, पहले काफ़ी ये आयरन स्टेयरकेसेस थे, स्टेप्स थे ऊपर, उसके बाद पहुंचने के बाद वो स्टेप्स कवर करने के बाद तो प्लेन मतलब एक्चुअल चढ़ाई थी। एक छोटा सा गांव है वहाँ से, वो गांव से गुज़रे और आगे और चढ़ाई थी, ऐसे करके हम फाइनली ऊपर पहुँचे। पहले एक श्रीराम मंदिर, रास्ते में एक्चुअली हमारी हालत नहीं रही रिकॉर्ड करने की तो आफ्टर ये फर्स्ट ब्रेक जो लिया उसके बाद हमने रिकॉर्ड नहीं किया, डायरेक्टली ऊपर पहुंच गए और ये हम लोगों ने ग्रीन डोम वाला मस्जिद कहते हैं इसको, नाम भी आगे दिखाई देगा आपको, ये मस्जिद ये दरगाह पे पहुँच के हम लोगों ने हमारे ऑफरिंग्स दिए यहाँ पे। ये दरगाह बोलते हैं कि चमत्कारी दरगाह है। इनका जब उर्ज होता है ये दरगाह के दरवाज़े ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। बोलते हैं कि US से भी साइंटिस्ट आके बोल रहे ना, उनका ये मत ये था कि कोई मैग्नेटिक फील्ड फोर्स आता होगा जिसके वजह से वो दरवाज़ा खुल रहा होगा एंड ऑल दैट एंड दे ट्राई टू फिक्स अ कैमरा टू सी कि कैसे दरवाज़ा खुलता है एंड ऑल दैट। पर बोलते हैं कि जिस वक्त वो दरवाज़ा खुला उसी समय हाई एंड एकदम हाई एंड टेक्नोलॉजी के कैमराज भी बंद पड़ गए थे एंड वो दरगाह के दरवाज़े ऑटोमेटिकली खुल गए थे। This is the other route. You have to go down from here and up those stairs and then you reach. Oh, that's the trekking route and we took the staircase route which was kind of a shortcut to the
फूड। विशालगढ़ के एकदम आर्डस जर्नी के बाद हम लोग अगले दिन निकले वापस मुंबई आने के लिए, पर आने के पहले एक शॉर्ट छोटा सा डी टूर करके हम गए कोपेश्वर टेंपल देखने, किदरापुर टेंपल भी कहा जाता है। ये टेंपल को बोलते हैं कि ये है एक आर्किटेक्चरल ज्वेल है जो कृष्णा नदी पे स्थित है। उसके जो कारीगरी और आर्किटेक्चर का मिसाल मतलब दुनिया में कहीं नहीं है ऐसा बोला जाता है। ये दिख रहा होगा आपको, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल मंदिर है, टॉप टू बॉटम सिमेट्री है इसमें। इस मंदिर का बोलते हैं एक्चुअली जो देखा जाए तो चार पार्ट्स हैं। जैसे हम अंदर जाते हैं हम आपको एक एक पार्ट करके बताएंगे उसमें। ये टेंपल 1700 ईयर्स पुराना है एंड खजुराहो ऑफ महाराष्ट्र भी बोला जाता है इसको, इसके ऊपर के इंट्रिकेट कार्विंग्स के वजह से। ये खिदरापुर टाउन में स्थित है, इसके लिए इसे खिदरापुर टेंपल भी कहा जाता है। जो आप अभी देख रहे हैं इसको स्वर्ग मंडप बोला जाता है। ये टेंपल का एंट्रेंस है एंड ये बहुत रेयरिटी है जो एक एंट्रेंस ऐसे सर्कुलर दिशा में बनाया गया। इसके पिलर्स पे वाइल्ड गोट्स, एलिफेंट्स, ऑक्सन्स, क्रुकेड हॉर्न्स, सब तरीके का स्कल्पचर्स मिलेंगे। लॉर्ड ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो है उनके भी मूर्तियां मिलेगी टेंपल के साइड में। कहा जाता है कि परफॉर्मर्स जो है डांस परफॉर्मेंस एंड अदर परफॉर्मेंस होता था इस पर्टिकुलर मंडप में। बीच में से ऑफ कोर्स आपको आकाश दिखता है। ये जो स्वर्ग मंडप है इसके 48 पिलर्स है, 12 ऑफ देम से मिलके एक सर्कुलर अरेंजमेंट बनता है सेंटर में जो 12 जोडियक साइन को इंडिकेट करता है। कहा जाता है कि त्रिपुरी पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा को बराबर फुल मून जो है 12:03 AM को ये सर्कल के सेंटर में पाया जाता है। अगला हिस्सा है सभा मंडप। ये इसके बाहर द्वारपाल है, एकदम इंट्रिकेट कार्विंग है, पूर्ण कलश के सिंबल्स हैं एंड ये नेक्स्ट पार्ट है ये मंदिर का। यहाँ पे 60 पिलर्स है, तीन टायर्स में 60 पिलर्स है। जो सबसे अंदर का पार्ट है वो एक स्क्वायर फॉर्म स्क्वायर आकार में है, बाकी सर्कुलर फीचर सर्कुलर डिज़ाइन ही है। इस पे पीकॉक्स, क्रोकोडाइल, डांसर्स, गरुड़ा ये सब आकार के मोटिव्स है। ये मंदिर पूरा बसाल्ट स्टोन से बनाया हुआ है। अगला कक्ष को अंतराल कक्ष कहते हैं। ये जानबूझ के थोड़ा सा डार्क रखा हुआ है। यहाँ पे एंशिएंट पंचतंत्र वगैरह के कहानी के मोटिव्स हैं। उसका अगला सेक्शन जो है वो है गर्भगृह, जहाँ पे शिव जी और विष्णु जी की मूर्ति रखी हुई है। ये बहुत ही रेयरिटी है कि विष्णु जी की मूर्ति जो है एक लिंग के फॉर्म में पाया गया है। उसका कहानी ऐसा है कि शिव जी को काम डाउन करना ज़रूरी था, इसलिए विष्णु जी के भी प्रेजेंस वहाँ पे ज़रूरी था, इसलिए लिंग के रूप में वहाँ पे विष्णु जी का प्रेजेंस है इस मंदिर में। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इस मंदिर के बारे में ऐसा है कि नंदी नहीं है कहीं पे। यूजुअली हर शिव जी के मंदिर में आपको नंदी का प्रेजेंस मिलेगा, ये मंदिर में नंदी का प्रेजेंस नहीं है और उसका भी एक कहानी है। मान्यता ऐसा है कि पार्वती जी कहते हैं कि नंदी के साथ अपने मायके चली गई थी एंड नंदी वापस पहुंचा ही नहीं खिदरापुर। कहा जाता है कि खिदरापुर से दूर
अबाउट 12 किलोमीटर दूर जो कर्नाटका में आता है, यदुर गांव करके गांव है, वहां पे सिर्फ नंदी का मंदिर है। बोला जाता है कि नंदी वहीं तक पहुंच के रुक गया था, इसके लिए वहां पे सिर्फ नंदी का मंदिर है। एक्सटर्नल जो भी कार्विंग है वो हमने अलग से कैप्चर किया है, थोड़े विजुअल्स आप एक्सटर्नल कार्विंग का एंजॉय कीजिए। तो वो था हमारा एक्साइटिंग जर्नी अंबाघाट का। अंबाघाट के पास मेरे अभी खजाने में और एक ट्रिप हमारा हुआ था शिमला की ठंडी वादियों में, उसका भी बहुत जल्द लेकर आएंगे। प्लीज़ वेट फॉर आर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन हमारे तरफ से बाय बाय।